राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक दीपक मरावी पर गंभीर आरोप लगे हैं। उन पर हमीदिया अस्पताल में काम करने वाली महिला स्टाफ ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। इसकी लिखित में शिकायत भी की गई है। गौरतलब है कि निजी अस्पताल का अधीक्षक दीपक मरावी अक्सर विवादों में रहते हैं, लेकिन इस बात पर अस्पताल के ही महिला स्टाफ ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके बाद भी अगर अधीक्षक जी को वहाँ पर रखा गया है तो किसका संरक्षण है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, कौन संरक्षण दे रहा है, कौन उनकी रक्षा कर रहा है, कौन उनको इतनी अच्छी अच्छी पदस्थापनाएँ देता है, ये सबसे बड़ा विषय है। तो समझ में आता है कि सत्ताधारी दल के जो लोग हैं वो पीछे हैं, लेकिन इतना बड़ा मामला, अपने आप को मामा कहते हैं यहाँ मध्य प्रदेश में शिवराज जी बच्चियों के और वहाँ नर्सों के साथ इस तरह के कृत्य किए गए, उसके बावजूद भी ना हटाया गया है ना कार्रवाई ऐसी कुछ हुई है। हमारा डेलीगेशन जा रहा है और हमारा डेलीगेशन मिल के जो महिलाएं हैं हमारे कांग्रेस की वो मिलेंगी और नर्सों से पूछेंगी कि वो क्या है मामला और क्या कार्रवाई नहीं हो रही है, और कार्रवाई के लिए हम लोग। ईडी द्वारा राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर बुधवार को AICC के द्वारा प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष के मिश्रा द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने केंद्र की मोदी और प्रदेश के शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने AICC द्वारा गुरुवार को देश भर के राजभवन के घेराव करने की बात कही है। राजधानी भोपाल से भारतीय जनता पार्टी ने मालती राय को अपना महापौर उम्मीदवार बनाया है। मालती राय के नाम की घोषणा होने के बाद वह बुधवार को राजधानी भोपाल के महाराणा प्रताप मंडल स्थित गायत्री मंदिर पहुंची, जहां मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने मालती राय का हार फूल मालाओं के साथ स्वागत किया और गायत्री मंदिर में उनकी जीत के लिए पूरे विधि विधान के साथ विशेष पूजा पाठ कराया गया। इसके बाद उन्होंने चरण स्थल के दर्शन कर परिक्रमा की और अपनी जीत की मनोकामना की। इसके बाद मंडल अध्यक्ष द्वारा उनके मंडल के तमाम पदाधिकारियों का परिचय कराते हुए एकजुट होकर उनकी जीत के लिए काम करने का संकल्प लिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हम स्वर्णिम भारत बनाएं, मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएं। उन्हीं के सपने को साकार करते हुए भोपाल को स्वर्णिम भोपाल बनाने का मुद्दा लेकर मैं चुनाव में आया। जनता की का सहयोग लेने के पहले मैं यहाँ के भोपाल में जितने भी मंदिर हैं उन सबका आशीर्वाद लेकर जनता का आशीर्वाद लेने जाऊँगी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, इसलिए कोई भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के आगे नहीं है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस का महापौर प्रत्याशी पिछले कितने दिनों पहले घोषित हो चुका है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक विशेष वर्ग के नेता के घर जाने के अलावा उन्हें किसी मंदिर में भी, किसी व्यक्ति के यहाँ भी, किसी धर्मशाला में, किसी गौ माता के यहाँ जाने का उन लोगों ने काम नहीं किया। ये विचारधारा है, यही भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता जैसे ही भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट देती है तो अपने विचारधारा के साथ पूरे भोपाल में हमारे मालती राय जी पूरे भोपाल के सारे मंदिरों में आशीर्वाद लेने के लिए पहले भगवान से आशीर्वाद लेंगे, फिर जनता का आशीर्वाद लेकर के और भोपाल की महापौर के तौर पर चुनी जाएंगी। आज महाप्रताप मंडल क्षेत्र में उनने गायत्री मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर हमारे मंडल के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता बहनें उपस्थित रहीं और हम सभी लोगों ने उनको आश्वस्त किया कि हमारे मंडल में दो वार्ड हैं, भारी मतों से जिता करके दें। भाजपा में अपनी उपेक्षा से परेशान होकर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शराबबंदी के नाम पर नाटक नौटंकी के बाद कानून व्यवस्था को हाथ में लेने लगी है। शराबबंदी के नाम पर कहीं पत्थर फेंकती है, कहीं गोबर फेंकती है, पता नहीं आगे आने वाले दिनों में क्या क्या फेंकने वाली है। ये आरोप कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय यादव ने उन पर लगाए हैं। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि अगर उमा भारती शराबबंदी के लिए गंभीर है तो राजधानी भोपाल में मंत्रालय में धरने पर बैठे और जब तक प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी ना हो तब तक धरने पर से ना उठे। कांग्रेस पार्टी भी शराबबंदी की मुहिम में उनका समर्थन करेगी, लेकिन भाजपा में केवल ये नाटक नौटंकी चल रही है। अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए उमा भारती भी प्रपंच कर रही है। अपनी उपेक्षा से परेशान होकर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी शराबबंदी के नाम पर नाटक नौटंकी के बाद अब कानून व्यवस्था को हाथ में लेने लगी हैं। शराबबंदी के नाम पर कहीं पत्थर फेंकती हैं, कहीं गोबर फेंकती हैं और पता नहीं आने वाले दिनों में क्या क्या फेंकने वाली हैं। अगर उमा भारती जी शराबबंदी के लिए गंभीर हैं तो भोपाल राजधानी में मंत्रालय में धरने में बैठें और जब तक प्रदेश में शराबबंदी ना हो
जाए तब तक धरने पर से ना उठें और कांग्रेस पार्टी भी शराबबंदी की मुहिम में उनका समर्थन करेगी। लेकिन भाजपा में ये केवल नाटक नौटंकी चल रही है, अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए उमा भारती जी प्रपंच कर रही हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में फिलहाल कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है, इस वजह से हवाओं के साथ पर्याप्त नमी नहीं आ रही है। इसके चलते मॉनसून पूर्व की गतिविधियों में कुछ कमी आने लगी है, विशेषकर पश्चिमी मध्य प्रदेश में बौछारें पड़ने का सिलसिला थम गया है, इससे दिन का तापमान भी बढ़ने लगा है। हालांकि मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में जबलपुर शहडोल संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। उधर राजधानी में भी मौसम साफ है, इस वजह से दिन का तापमान बढ़ने के आसार है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। उधर पिछले 24 घंटों के दौरान बुधवार सुबह 8:30 बजे तक मलाजखंड में 14, दमोह में 2.0 मिलीमीटर बारिश हुई है, छिंदवाड़ा सतना में बूंदाबांदी हुई है। देखिए मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो पिछले 24 घंटों में प्रदेश के रीवा, सागर, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम और ग्वालियर उज्जैन संभागों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई है और दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस ग्वालियर, दतिया और में रिकॉर्ड किया गया है, सीधी में भी रिकॉर्ड किया गया है। और प्रदेश में फिलहाल कोई ऐसा बहुत प्रभावी सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी जो नमी की मात्रा है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक द्रोणिका लाइन साउथ वेस्ट यूपी से लेके सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, बिहार, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल होते हुए आसाम तक गुजर रही है। इसके कारण पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की एक्टिविटी, प्री मानसून एक्टिविटी जिसे हम कह सकते हैं, देखने को मिलेगा।